अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अटेंडेंस टूल से रिलेटेड है। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर इरशाद की इंस्ट्रक्शंस पे डॉक्टर आदिल ने ये अटेंडेंस टूल डेवलप किया है। इस अटेंडेंस टूल के कुछ फायदे ये हैं कि हमें हर क्लास के बाद अटेंडेंस बॉक्स में जाके फिजिकली हार्ड फॉर्म में अटेंडेंस सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग क्लास में अटेंडेंस लेंगे और हम लोग एक सबमिट का बटन दबाएंगे और वो अटेंडेंस जो है वो लाइव चेयरमैन ऑफिस में सबमिट हो जाएगी और चेयरमैन ऑफिस के पास जो है वो लाइव एक रिकॉर्ड जा रहा होगा कि किस टाइम पर कौन सी क्लास हो गई और किस टाइम पर किस टीचर ने अटेंडेंस सबमिट कर ली। इसका एक और फायदा ये है कि सेमेस्टर के एंड में जो हम शॉर्ट अटेंडेंस लिस्ट बनाकर कोऑर्डिनेटर ऑफिस में प्रोफॉर्मा सबमिट करते थे वो अब हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सेमेस्टर जो लाइव अटेंडेंस चेयरमैन ऑफिस जा रही है उसका रिकॉर्ड चेयरमैन ऑफिस में होगा और वो स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस किसी कोर्स में 75% से लेस है वो लिस्ट हर कोर्स के लिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और सेमेस्टर के एंड में पूरे सेमेस्टर की जो अटेंडेंस है वो आप CSV फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस अटेंडेंस टूल को एक्सेस करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करें tinyurl.com/ced-attendance। फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस करने के लिए आपको साइन इन करना होगा और साइन इन करने के लिए आप अपना ऑफिशियल UET वाला ईमेल एड्रेस यूज करेंगे। जब आप इसको फर्स्ट टाइम एक्सेस करेंगे तो आपने इसकी एक कॉपी बनानी होगी। तो इस अटेंडेंस टूल की एक कॉपी आपकी गूगल ड्राइव में बन जाएगी जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, और अगर आप दोबारा नई कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप दोबारा से यहाँ पर tinyurl.com/ced-attendance टाइप करके एक नई कॉपी बना सकते हैं। इस अटेंडेंस टूल को यूज़ करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने यहाँ से अपना बैच सिलेक्ट करना है, जिस बैच को आप पढ़ा रहे हैं आपने उस बैच को यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जो कोर्स पढ़ा रहे हैं उस कोर्स का कोड आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और जिस सेक्शन को आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आपने उस सेक्शन को टाइप करना है। यहाँ पर आपके पास जिस डेट पे आप अटेंडेंस ले रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। स्टार्ट में सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट मार्क होंगे। आप जब अटेंडेंस लें और जो स्टूडेंट एब्सेंट हो उसकी जगह आप ए टाइप कर सकते हैं और वो स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट मार्क हो जाएगा। अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप इन बॉक्सेस को भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स को एब्सेंट मार्क करने के लिए। जब आप अटेंडेंस ले लें तो उसके बाद आपने यहाँ पर अटेंडेंस के आइकन को क्लिक करना है और यहाँ से आपने सबमिट का बटन प्रेस करना है। जब आप फर्स्ट टाइम सबमिट को क्लिक करेंगे तो ये आपसे ऑथराइजेशन मांगेगा। इसको आप कंटिन्यू करें, यहाँ से अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस को क्लिक करें और यहाँ से उसको ऑथराइज कर दें। जब आप उसको ऑथराइज कर देंगे तो यहाँ पर आपको रनिंग स्क्रिप्ट लिखा हुआ नजर आएगा और जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर सबमिट होनी शुरू हो गई है। तो ये अटेंडेंस जो है वो लाइव चेयरमैन ऑफिस में सबमिट हो रही है। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो चेयरमैन ऑफिस में सबमिट हो गई है। अगर आप इसको दोबारा सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको मैसेज देगा कि अटेंडेंस जो है वो ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है और लॉक हो गई है, इसमें अब आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपनी अटेंडेंस टाइम पर नहीं देता और वो एब्सेंट मार्क कर दिया जाता है तो आप उसमें अब चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये मैसेज हमने स्टूडेंट्स के साथ क्लास के स्टार्ट में कम्युनिकेट करना है कि अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस मिस हो जाती है, वो अटेंडेंस के टाइम पर जो है वो बातों में लगा है या वो नहीं सुनता अपना नाम और उसकी एब्सेंट मार्क हो जाती है और एक बार अटेंडेंस सबमिट हो जाती है तो उसमें चेंजेस अब नहीं हो सकते।